अजमेर शहर में इन दिनों आजाद पार्क में एक प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसका अखबार के अंदर बड़े बड़े अक्षरों के अंदर नाम लिखा रहा है, सोनिया प्रदर्शनी। लेकिन इस सोनिया प्रदर्शनी के नाम के ऊपर अब बवाल मचा हुआ है। ये जो प्रदर्शनी अजमेर के आज़ाद पार्क में इस वक्त लगी हुई है, वो सोनिया प्रदर्शनी नहीं है, ऐसा दावा करने वाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, शहरवासी ये जानना चाहते हैं कि जो प्रदर्शनी आज़ाद पार्क में लगी हुई है, क्या वो सोनिया प्रदर्शनी वही है जो हर साल यहाँ पर लगती हुई आ रही थी? जी नहीं, बिल्कुल गलत। सोनिया प्रदर्शनी वो नहीं है जो हर साल हम लगाया करते थे। इस सोनिया प्रदर्शनी का दुरुपयोग किया जा रहा है। बाहर से आए हुए व्यक्ति ने बिना परमिशन के सोनिया प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इनकी जो परमिशन है वो जोधाना पब्लिक सिटी के नाम से है, लेकिन इन्होंने जोधाना पब्लिक सिटी का बैनर ना लगा के सोनिया प्रदर्शनी का इसको नाम दिया है। मेरी सभी अजमेर वासियों से दरख्वास्त है कि इस सोनिया प्रदर्शनी में आप जाकर देखें कि ये वही सोनिया प्रदर्शनी है जो हम लगाया करते थे, या ये फर्जी है। सिर्फ सोनिया प्रदर्शनी का नाम यूज कर रहे हैं, सोनिया प्रदर्शनी को बदनाम करना चाह रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके खिलाफ मैंने सिविल लाइन थाने के अंदर भी अर्जी दी है, नगर निगम में दी है, SP ऑफिस में दी है, मैंने ADM ऑफिस में भी दी है। उनसे सबसे रिक्वेस्ट की है और उन्होंने इसके ऊपर नोटिस जारी भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जोधाना पब्लिक सिटी वाले हैं इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। इसलिए आज मैं SP ऑफिस में आकर ये देना कहना चाह रही हूँ कि मेरी सुनवाई करें और इस कार्रवाई के खिलाफ एक्शन लें। अच्छा, ये जोधाना, आप कुछ नाम बता रहे हैं कि जोधाना पब्लिक सिटी, तो उन्होंने सोनिया प्रदर्शनी के नाम से ही प्रदर्शनी क्यों लगाई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अजमेर में अपना नाम ना चलाकर उन्होंने सोनिया प्रदर्शनी का नाम उन्होंने? क्योंकि सभी अजमेर वासी ये जानते हैं कि जो सोनिया प्रदर्शनी लगती है वो एक नंबर टॉपर लगती है, जिसकी वजह से जो भी दुकानदार हैं, अजमेर की जनता है, सिर्फ सोनिया प्रदर्शनी को देखने ही आती है। सोनिया प्रदर्शनी एक बहुत फेमस है, एक ब्रांड है, जिसका इन लोगों ने मिसयूज़ किया है। ये लोग खुद का नाम ना लगाकर सोनिया प्रदर्शनी का नाम यूज़ कर रहे हैं ताकि इनको बेनिफिट मिले सोनिया प्रदर्शनी का। आने वाले टाइम के अंदर जब पता चलेगा कि सोनिया प्रदर्शनी ये गलत है, तो इसका प्रभाव अजमेर वासियों पे बहुत गलत पड़ेगा। ये सोनिया प्रदर्शनी जो लगाई गई है आज़ाद पार्क के अंदर, ये बिल्कुल गलत है। ये सोनिया प्रदर्शनी नहीं है, इसका सिर्फ नाम यूज किया जा रहा है, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। नाम मतलब गलत तरीके से यूज किया जा रहा है आपके बिना मंजूरी के। पुलिस में आप गए, पुलिस ने कुछ सहयोग आपको किया इसके अंदर? मैं सिविल लाइन थाना गई थी, वहाँ पर CI साहब ने मेरे सामने नारायण जी को कहा था कि इस चीज़ की कार्रवाई की जाए, लेकिन वहाँ पर कुछ भी मेरे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बल्कि जब उन्होंने नारायण जी ने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि हम तो यही करेंगे, जो करना है आपको वो कर सकते हैं, हम तो इसी नाम से प्रदर्शनी लगाएंगे, जो आपसे बन पड़ता है वो आप कीजिए। मुझे 8-10 दिन से बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि सोनिया प्रदर्शनी मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इस चीज़ के, मैं इस चीज़ को दिखा सकती हूँ कोर्ट के सामने कि ये प्रदर्शनी मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, मेरे बेटे के नाम से रजिस्टर है, लेकिन मेरे बिना परमिशन के इस प्रदर्शनी का दुरुपयोग किया जा रहा है। अच्छा, जो आप कागज आप दिखा रहे हैं उसके अंदर एक चीज का जिक्र नहीं है, जिसको लेकर मैं आपसे पूछ रहा था, वहाँ कहीं भी उन्होंने सोनिया प्रदर्शनी का जिक्र नहीं किया है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं 16 तारीख को ही ADM ऑफिस के अंदर एप्लीकेशन दे गई थी कि सोनिया प्रदर्शनी को परमिशन ना दी जाए। उनकी जोधाना पब्लिक सिटी वालों की परमिशन कैंसिल करने हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने जोधाना पब्लिक सिटी के नाम से परमिशन ली है। इसीलिए क्योंकि सोनिया प्रदर्शनी के नाम से परमिशन ADM ऑफिस से नहीं मिली है, इनको नगर निगम से भी नहीं मिली है, SP ऑफिस से भी नहीं मिली है, इसलिए इन्होंने प्रदर्शनी का नाम जोधाना पब्लिक सिटी के नाम से लिया है, लेकिन उन्होंने जोधाना ना लगा के सोनिया प्रदर्शनी का नाम इसको दिया है ताकि इसका दुरुपयोग कर सके। तो बिल्कुल जिस फर्म ने भी लगाया है वो मैटर कोर्ट में चल रहा है, और मिसयूज किया या नहीं किया ये तो कोर्ट निर्धारित करेगा। ये काम कोर्ट का है कि गलत कौन है सही कौन है इसका निर्धारण करे। अगर अगली पार्टी के पास नियमानुसार रजिस्ट्रेशन, जो भी कंपनी एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन होते हैं किसी को रोकने के, वो अगर होंगे और कोर्ट में साबित होगा तो हम गलत होंगे, अगर कोर्ट में वो साबित नहीं कर पाए तो हम अपनी जगह सही हैं, हम अपना व्यापार कर रहे हैं, किसी चीज़ का मिसयूज नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम दीन दयाल गौड़, प्रबंधक जोधाना पब्लिसिटी। ये एक जो अजमेर में आप लगातार हर साल देखते आए होंगे कि एक सोनिया प्रदर्शनी नाम से एक प्रदर्शनी लगा करती थी, ये वो प्रदर्शनी नहीं है, और उसके नाम के दुरुपयोग का मामला अब सामने आया है। पूरी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी गई है, लेकिन जो नाम जिन्होंने सोनिया प्रदर्शनी नाम अपना ले रखा है, रजिस्टर्ड करा रखा है, वो उनका कहना है कि इस तरीके से शहर के साथ झूठे झूठे तरीके से नाम की जो धोखाधड़ी प्रदर्शनी में हो रही है, उसको प्रशासन किसी भी तरीके से लगाम लगाए। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MPTV इंडिया, अजमेर।